अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज के महंगाई के दौर में मुफ्ता कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि भाई के साथ जो है ना नाश्ता कर लिया जाए, और मुफ्त में सुबह सुबह नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात होती है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले लाहौर की सिचुएशन की, लाहौर की सिचुएशन की तरफ जाएंगे और वहाँ वसीम से दोबारा से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें कि हमसे अच्छी यानी कि इंसानों से अच्छी मक्खियाँ हैं, कि मक्खियों को तो गोश्त मिल रहा है, इंसान को गोश्त नहीं मिल रहा। वो बेचारे अपनी कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह मक्खियों को यहाँ से दूर भगाया जाए, लेकिन वो जितनी कोशिश कर सकते हैं उसके मुताबिक ही उड़ रही हैं। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाश्ता कराने का। मुझे ये बताएं, एक ज़माना था कि लोग चिकन का गोश्त बहुत ज़्यादा लिया करते थे, इसमें कितनी कमी आ चुकी है जब से महंगाई का हम देख रहे हैं कि पिछले एक दो साल के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसमें कितना फ़र्क आया? महंगाई मेरे को नहीं पता, किससे बात करो। वाहिद बंदा मैंने देखा है खुदाई की कसम जिसको महंगाई का नहीं पता। अगर यहाँ पे ये सूरत हाल है तो बस इसका क्या ही कहना है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बाइक पे भी साहब जा रहे हैं, उनका भी ये कहना है शायद इनके पास पैसा बहुत है, तो यकीनी तौर पे जब पैसे की ज़रूरत होगी तो इनकी तरफ आएंगे। और नाश्ते का भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं दोबारा से अपने नुमाइंदे वसीम साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वहाँ के जो लाहौर के जो लोग हैं हमारे भाई हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वसीम, क्या सूरत हाल है, और मज़ीद आप थोड़े से मेरे ख्याल में लोगों से बात करें, उनसे पूछने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं, उनके दिल की क्या आवाज़ है। वो वसीम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं इस वक्त लोगों से बात कर रहा हूँ जो महंगाई के हवाले से अपनी गुफ्तगू आप तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई तो बहुत है, लेकिन तेल बिजली एदा को हल है, एड़ी मंडी एड़ी लगी है, ये तो वैसे सस्ता बाजार है कि लोग आते हैं बाइज्जत आने बाइज्जत चले जाए। सस्ते बाजार के बावजूद 213 वाला गोश्त 230 बिक रहा है। वो गोश्त जो दे रहे होंगे ना, वो साफ सुथरा गोश्त देंगे, वो फिर कोई चीज़ नहीं देंगे, साफ ही गोश्त देंगे, वो मतलब ढाई पा गोश्त नहीं होगा। अब आप ये बताएं कि इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है, टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहे हैं, आलू 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो हुकूमत का काम है ना सब चीज़ें कंट्रोल करें, हमारा काम तो नहीं है। रोमेल, हम आपको एक दुकान पे लेके जाते हैं और वहाँ पे अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें ज़रा मुआयना करते हैं और दुकानदार से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहतरम, ये बताएं कि ये गोभी कैसे बेच रहे हैं? गोभी 60 रुपए किलो। और ये बैंगन कैसे बेच रहे हैं? बैंगन 40 रुपए किलो। ये अरबी जो है ये किस तरह बेच रहे हैं? अरबी भी 40 रुपए किलो। और ये भिंडी? भिंडी 40 रुपए किलो। अच्छा ये बताइए, सब्ज मिर्च का क्या रेट है? सब्ज मिर्च का, सब्ज मिर्च का क्या रेट है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो सब्ज मिर्च। और हरा धनिया कम से कम है 200-300 रुपए किलो। जी रुमेल, आपने देखा हरी मिर्च 30 रुपए किलो और हरा धनिया 300 रुपए किलो बिक रहा है। हालांकि लाहौर में, कराची का मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर में ये रवायत रही है कि जो भी शख्स सब्ज़ी खरीदने के लिए आता है उसको सब्ज़ी के साथ हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो मुफ्त में दी जाती थी, और अब 300 रुपए किलो हरा धनिया। आप महंगाई की शरह का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। और देखें कि गोभी जो कि नॉर्मली 5 से 10 रुपए 12 रुपए किलो बिकती थी, 60 रुपए किलो बिक रही है। बैंगन जो है वो गरीब आदमी की खुराक समझी जाती थी, वो 40 रुपए किलो है, और मेरा ख्याल है कि ये 40 रुपए भी इन्होंने कम करके बताए हैं, क्योंकि जैसे ही हम आए थे, जैसे पहले मैंने बताया कि मुर्गी का रेट 230 रुपए लिखा हुआ था, जैसे ही हम आए हैं इन्होंने देखा कि मीडिया वाले आ गए, मिटा के 213 रुपए कर दिए। अब 300 रुपए किलो धनिया बिक रहा है जो कि मुफ्त मिलता था। जी ठीक है जी, आपने कीमतें बताई हैं ना, उससे तो मुझे वैसी मिर्चें लग गई हैं कि कितनी कीमतें वहाँ पे भी बढ़ी हुई हैं और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के सूरत हाल है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे कुछ कॉलर्स को वसीम ले लेते हैं, फिर अपनी बातों का सिलसिला यहीं तक इसे जारी रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन कॉलर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अकलवाज बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब, लाहौर की सूरत हाल हमारे बता रहे हैं दोस्त वहाँ खड़े होके, क्या कहते हैं, सही के बता रहे हैं या नहीं बता रहे? कराची से प्रोग्राम आ रहा है आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि एक काल से हंगामे बंद हो जाते हैं, एक काल से हंगामे शुरू हो जाते हैं, एक काल से महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है जनाब, यहाँ सबसे सस्ती चीज़ जो है ना वो एक ही है, और हाथ में पालक खाना शुरू करते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें और यही हल नज़र आ रहा है, या फिर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। हाँ, पालक से तो पकाने लग जाएंगे, तो क्या कहेंगे? जी जी बोले, मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, लाइन ड्रॉप हो गई, दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह खैर, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, अंजुम बोलो गुजरावाला से।
जी अंजुम भाई, गुजरांवाले की क्या सूरत हाल है जनाब? अल्लाह का फजल है, जो कराची लाहौर में चल रहा है उससे ज्यादा ही गुजरांवाला में चल रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो हमारे भाई गरीब आदमी इस तरह वावेला करते हैं और हुकूमत को कोसते हैं, अरे भाई हुकूमत को क्यों कोसते हो? हुकूमत का आपके साथ क्या ताल्लुक, जब आपने खुद चोर लुचे लफंगे के इलेक्ट करके नुमाइंदे भेजे हुए हैं, तो वो आपको कैसे रिलीफ देंगे? ये सारे पॉलिटिशियन 99% ये फ्रॉडिये हैं, ये पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। ये जो आप देखिए, क्या हम मुसलमान हैं? जब अभी शबे बारात आई है, 100 रुपया केजी टमाटर बिक रहा है यहाँ पे गुजरांवाला में, जो चीजें ये धनिया की 300 की बात कर देंगे रुपया गुजरांवाला में भी। सर कल आप फूल की पत्तियां देख लेते ना, फूल की पत्तियां किस हिसाब से मिल रही थी? आप देते एक मुट्ठी भर, आपको जो है वो 10 रुपए की आपको फूल की पत्तियां मिल रही थी। बिल्कुल, अब आप ये देखिए, क्या हम मुसलमान हैं? हमारे कब्रस्तानों की हालत देखें, और जाएं ये लाहौर में या आपके वहाँ पे उसमें कैंट के पास जो गोरा कब्रस्तान है, कितने साफ सुथरे हैं। और हमारे कब्रस्तानों की हालत क्या, कुत्ते बिल्ले वहाँ पे फिरते हैं। हमारे जब हम ईस्ट की बात, अपना वेस्ट की बात करते हैं, तो यूरोप में जब क्रिसमस आती है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। अब हमारा रमजान आ रहा है, तो अल्लाह के फजल से सारे मुसलमान हैं, सारे उम्र भी करते हैं, हज भी करते हैं, और सारे होल्डिंग करेंगे, जखीरा दोजी करेंगे। अरे भाई हम मुनाफकों के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमारा अलमिया है और इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है एक क्यू में, यानी कि एक लाइन में नहीं खड़ा हो सकते। अगर हमें लाइन में खड़ा होना जिस दिन आ गया हमारी आवाम को, हमारी इस कौम को, उस वक्त चीज़ें सारी बेहतर हो जाएंगी। तो हमें खुद अपने आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, क्योंकि हम में से हर शख्स उतना ही जिम्मेदार है इस महंगाई का जितना हमारी हुकूमत है। क्योंकि अगर हम भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम भी अपनी पुकार नहीं पहुंचाते हैं उनके कानों तक, तो चीज़ें बेकार होंगी। हम यही सोच को बातें करते रहते हैं, जनाब महंगाई बहुत हो गई, हमारे लिए जीना दोबर हो गया, हमें खाने को कुछ नहीं मिला, यही हम कहते रहेंगे तो चीज़ें तो हल नहीं होंगी। एक कॉलर को मेरे ख्याल में और ले लेते हैं, उस बाद से मैं लाहौर की जानब चलूँगा और यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करूँगा कराची में, कि कराची के लोगों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? वालेकुम सलाम जी, तारिक बात कर रहा हूँ मैं कराची से, रुमेल भाई जी। भाई तारिक भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं जी? खैरियत खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बहुत पहले तो मेहरबानी आपकी, आपने ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इन चीज़ों को आप सामने ला रहे हैं, सारी दुनिया को पता चल रहा है क्या हो रहा है। मैं खुद बताऊँ, मैं कल नहीं परसों शाम को इम्प्रेस मार्केट आया, तो वहाँ पे मुर्गी का रेट पूछा इससे, तो इसने 300 रुपये पर केजी मुझे बताया। मैंने कहा यार मेरे इलाके में तो 280 चल रहा है, मैं यहाँ आया हूँ सुल्तानाबाद से चल के, तो यहाँ तो सस्ता होना चाहिए, बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। लेकिन उसने कहा नहीं जी रेट बढ़ चुके हैं, तो ये अभी 300 रुपये से कम नहीं होगा। बड़ी मेरी उसके साथ बहस तकरार हुई, बड़ी मुश्किल से जाके मैंने 280 पे करवा के उससे लिया, उसने फिर दे दिया मुझे। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है एक ही सिटी के अंदर? मतलब छोटा छोटा जो इलाके हैं वहाँ पे तो ठीक है, ये बड़ी मार्केट में इतना ये क्यों हो रहा है? ये अपनी मर्जी से इन्होंने रेट लगाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, चेक करने वाला नहीं है। मसला ये है कि तारिक भाई ये है कि हमने ये डिफरेंसेस जो हैं ये खुद आपस में जो है डाल लिए हैं। हमने ये कर लिया है कि एक सिंधी है, एक महाजिर है, एक बलोची है, एक पंजाबी है। ये जब डिफरेंसेस हमारे दरमियान में आ जाते हैं तो यही चीज़ें इसी तरह बढ़ती हैं। हमने हर चीज़ जो है दो नंबर तरीके से करने की सोच ठानी हुई है। कल मैं भी यहाँ इम्प्रेस मार्केट में आया और चीज़ें यहाँ पे ख़रीदारी, जब मैं सब्ज़ी की खरीदारी कर रहा था तो यहाँ पे मुझे भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना था। और जब मैंने दुकानदार साहब से पूछा, मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग महंगी दे रहे हो, तो उनका कहना था कि नहीं जनाब हम तो बिल्कुल सच्चे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे एक बता दें, पूरी इम्प्रेस मार्केट में कौन सा ऐसा दुकानदार है जो कहेगा मैं जी नाजायज़ कीमतों पर जो है अपनी जो है अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहा हूँ? तो ये सूरत हाल बिल्कुल ड्रेसी ही रहती है, इसको हमें ही चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो कोई और चेंज नहीं करने आएगा यहाँ पे। मेरे ख्याल में लाहौर की तरफ चलते हैं, वसीम साहब हमारा काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। वसीम साहब कुछ दुकानदारों से ज़रा बात करें, उनसे पूछें कि वहाँ के दुकानदार भी इसी तरह की बात नज़र आते हैं क्या? आते हैं क्या? जी बिल्कुल करते हैं, दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई ये बताएं कि आप इतनी महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं? ये भैया ये तो सारा पेट्रोल डीजल पे चलेगा ना, पेट्रोल और डीजल पे काम चलेगा ना। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। मेरे भाई पेट्रोल तो 5-7 रुपए लीटर बढ़ा, बल्कि अब तो सस्ता भी हो गया दोबारा, तो सब्जियां आपने 2-3 गुना ज़्यादा कर दी महंगी। जो चीज़ बाहर से आती है वो तो महंगी होगी ना। आगे एक और दुकानदार के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं आप?
सर जी, ये गाड़ियों का मसला होता है। ये पहले हम ये सब्जी मंडी में जाते थे, इधर 200 रुपये गाड़ी वाला लेता था, अब सीएनजी नहीं मिलती, गाड़ियाँ बंद होती हैं, गाड़ी वाला 1000 रुपये किराया लेता है, 200 की जगह पे 1000 रुपये किराया ले रहा है। अच्छा, किराया 10 रुपये लीटर या 10 रुपये केजी गैस का रेट, अगर गैस का तो अभी नहीं बढ़ा, लेकिन पेट्रोल 10 रुपये लीटर बढ़ा तो आपने सब्जियाँ 3 गुना महंगी कर दी हैं। जी, गैस की कीमत बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, 3 दिन गैस बंद होती, गाड़ियाँ बंद होती हैं, गाड़ी ना मिलने की वजह से जो चलती हैं वो डबल किराया वसूल करते हैं, वो सब आप क्या समझते हैं ये जो कीमतें बढ़ाई हैं इससे आम आदमी के लिए मुश्किल नहीं पैदा हो रही? ये हमारे लिए खुद मुश्किल पैदा होती है सर जी, इतनी महंगी सब्जियां हम सारा दिन बैठ के देखते रहते हैं, कस्टमर आएगा तो ये सब्जी लेके जाएगा, कस्टमर आता नहीं, इतनी महंगी सब्जी को कस्टमर लेता ही नहीं है, हम खुद परेशान होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। रुमेल, आपने देखा जिस तरह दुकानदार ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है, और एक दुकानदार का ये भी कहना था इसी वजह से हम जो है ना परेशान भी रहते हैं कि बाज़ुकात हम बैठे रहते हैं और गाहक कोई नहीं आता। इस वक्त हम गाहकों से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदने आए भाई यहाँ पे? भिंडी खरीदने आए। भिंडी? अच्छा, रेट पूछा फिर आपने? हाँ, 50 रुपये किलो दे रहे हैं। पहले क्या रेट पे मिलती थी? पहले 30-20 रुपए। अच्छा, तो ये एकदम से 20 रुपए किलो का फर्क पड़ गया। हाँ जी। अब क्या खरीदेंगे? अब कुछ भी नहीं। वजह तो खाएंगे क्या अगर कुछ नहीं खरीदेंगे तो? जेब इजाजत नहीं देती। अच्छा, जेब इजाजत नहीं देती तो क्या करेंगे? भिंडी और चिकन का एक बराबर रेट जा रहा है। सही। देखा रुमेल, आपने एक ये एक गाहक से, हमने एक शहरी से बात की, उसका कहना था कि भिंडी पहले 30 रुपए के हिसाब से मिल जाती थी, अब 50 रुपए है तो मैं तो नहीं खरीद रहा, मुझे ये मतलब मेरी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं भिंडी खाऊं, तो ये सूरत हाल है लाहौर में। सब्जियां जो है उनकी कीमतें ज्वाइन किया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें पूरे लाहौर की सिचुएशन बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा आपसे बात अभी लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत से लोगों से बात करेंगे, खासतौर पर यहाँ एम्प्रेस मार्केट में, कि उनका क्या कहना है। तो देखते रहिए पहला सौदा।